कौन सी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, कैसे ख्यालात हमें आ रहे हैं। अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं आज लोग। एक पेपर लाओ, इधर लाओ, एक पेपर को हवा में रखो, ये पेपर को रखो हवा में, रखेगा गिर जाएगा। ये आसमान कैसे टिका हुआ है बिना पिलर के, बताओ कौन साइंटिस्ट खड़ा किया है आसमान को। एक पेपर, पेपर हवा में कुछ देर नहीं रुक रहा है, उतना बड़ा आसमान हम पर क्यों नहीं गिर रहा है भाई। अल्लाह है, इतना बड़ा आसमान कैसे बनाया होगा, कोई इंसान बनाया आसमान को बताए, कोई बना सकते हैं फिर कैसे बनाया अल्लाह सुबहानहु तआला ने। ये दुनिया का कोई इंसान एक मच्छर का पर नहीं बना सकता, तो सूरज कैसे बनाया अल्लाह सुबहानहु तआला ने, चांद कैसे बनाया, तारे कैसे बनाया अल्लाह सुबहानहु तआला ने। इतना पावरफुल है, उसको छोड़कर हम किसके पीछे भाग रहे, चंद पैसों के पीछे, दो बॉयफ्रेंड्स के पीछे, चार गर्लफ्रेंड्स के पीछे। अरे जाग जाओ मोमिनों मुसलमानों, जाग जाओ, ये जागने का वक्त है। कयामत करीब आ चुकी है, हम सबब ना बन जाएं कयामत का, रीजन ना बन जाएं। कयामत से पहले तमाम गुनाह इस दुनिया पे हो जाएंगे, कोई गुनाह बचेगा नहीं। कयामत आने का रीजन पता है आपको क्या है, कब आएगी कयामत? इस दुनिया में कोई भी अल्लाह का नाम ना ले तो अल्लाह कहेगा इस जरूरत नहीं है इस दुनिया की मुझे। जब कोई बंदा है ही नहीं कि अल्लाह को याद करे तो अल्लाह सुर फूंक देगा। लेकिन वहां भी अल्लाह कितना चाहता है देखे, Whosoever says Allah last time on this earth, उसके 40 साल तक जमीन पर सजा नहीं आएगी, कयामत नहीं आएगी। जो भी बंदा आखिरी दफा बोल रहा होता है ना इस दुनिया में अल्लाह, उसके 40 साल तक बरकत रहेगी वो अल्लाह बोलने की। क्या बरकत है देखिए, अल्लाह के नाम से बोले सुभान अल्लाह। 40 साल तक कयामत नहीं आएगी एक बंदा एक जुबान से एक वर्ड अल्लाह कहने की वजह से। कितना चाहता है अल्लाह, हालांकि तमाम गुनाह हो चुके हैं इस दुनिया में, फिर भी कयामत नहीं आ रही, क्योंकि एक बंदे ने अल्लाह कहा। इतने जो गुनाह हो रहे हैं ना, कयामत आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ नेक बंदे अल्लाह कह रहे हैं। तो हम सबब ना बन जाएं, हमारी वजह से कयामत ना आए, ये दुआ करें अल्लाह से। नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चों, ये आप लोग को आपके इल्म में मैं बात ले आ रहा हूं, रोज आना आप अल्लाह से मांगो कि या रब मेरी वजह से कयामत नहीं आना या रब, ये अल्लाह से डील करें आप लोग। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डील किया था कि मेरी उम्मत को बैक वक्त में सजा नहीं देना या अल्लाह। गुनाह तो करेंगे करेंगे, गुनाहों का घर है ये, धोखे का घर है ये, यहां तो गुनाह करेगी करेगी मेरी उम्मत, लेकिन बैक वक्त में तू जलाल है, तेरे गुस्सा में जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे मांगता हूं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डील की है, वरना हम सब लोग एक साथ मारे जाते, इतने गुनाह चल रहे। शोहर बीवी को धोखा, बीवी शोहर को धोखा, बेटी बाप को धोखा, बेटा बाप को धोखा, भाई बहन में इलीगल अफेयर्स चल रहे, भाई बहन के साथ गलत काम, बेटे माओ के साथ, न्यूज़पेपर्स में नहीं पढ़े आपने गलत गलत चीजें हो रहे सो। ये क्यों हो रहे हैं? अल्लाह के करीब नहीं होने की वजह से। कौन है टीचर, कौन है प्रोफेसर बताओ मुझे, जो 10 साल लड़का लड़की भाई बहन है पलंग पे नहीं सो सकते? कौन बताया ये, कौन सी यूनिवर्सिटी ने बताई है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि भाई बहन एक पलंग पर नहीं सो सकते once they reach 10-12 years of age, सगा भाई सगी बहन भी, कोई यूनिवर्सिटी ने बताया? ये कैसी जिंदगी के एटिकेट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताकर गए हैं, हमने फॉलो करना है ये सब। बड़े दर्द मंदाना अंदाज में मैं आपके पास ये बातें रख रहा हूं। गुनाहों से बचो, स्किल्स डेवलप करो, एजुकेशन में आगे जाओ। वो दिन दिखाओ जो 300-300 बच्चे यूपीएससी क्लियर करें, बने आप ब्यूरोक्रेट्स, बने आप जजेस, बने आप टॉप के बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, हजारों लोगों को मदद करने वाले बन जाए। आपने नहीं देखा कल बिलाल को कहते हुए कि मैं 1000 यतीमों को खाना खिलाना चाहता हूं, 1000 यतीमों को सर्दियों में मैं स्वेटर देना चाहता हूं। वो कहना ही काफी है, अल्लाह उसको इंशाल्लाह एक दिन वैसा बनाएगा, क्योंकि उसकी नीयत है। आपकी नीयतों पर अल्लाह फैसले करता है। या खड़े होकर के कह रहा है कि मैं 1000 बंदों को खाना खिलाऊंगा, कसम खुदा की देखना एक दिन इंशाल्लाह आएगा, वो बंदा 1000 यतीमों को खाना खिलाएगा।
वो बंदा 1000 बंदों को स्वेटर देगा सर्दियों में, नियत पर डिपेंड करता है। आप नियत करें तो प्रोग्रामिंग आसमानों में होती है। आपने नियत ही नहीं किया कभी, कैसे अल्लाह वहां आपको देगा? जितना देना उतना ही देगा। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप में, आपका दिल साफ होते जाएगा, आप अच्छी नियतें करते जाएंगे, जेब में 1 रुपया नहीं है आपके, लेकिन हजारों यतीमों की सोच रहे हो आप, तो फिर अल्लाह आपको वो लीडर बनाएगा, वो काम करवाएगा आपसे अल्लाह सुभान व तआला। ये चीजें आप लोग को इसलिए कह रहा हूं कि अपनी नियतें साफ करें सब लोग। थिंक हाई, थिंक बिग एंड अचीव बिग। बड़ा सोचना शुरू करें आप लोग। ये जो छोटे छोटे चीजों में जो जिंदगी गुजार रहे हो ना, वर्ल्डली थिंग्स में, ये आईफोन, ये बेकर्स, ये होटल, ये पार्क।